जैसा कि हम सभी जानते हैं, राधा और कृष्ण का प्रेम अटूट था। बेशक ये विवाह के बंधन में नहीं बंध पाए, लेकिन ये इनका प्यार ही था जो आज भी कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता है, रुक्मणी का नहीं। आपको बता दें, आज हम आपको अपने स्पेशल रिपोर्ट में एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उल्लेख कई शास्त्रों में किया गया है। आपको बताएंगे कृष्ण के जीवन की वो घटना जब उन्होंने अपनी प्रिय राधा रानी का घमंड तोड़ा था। बता दें आपको, एक बार राधा जी को घमंड हो गया था कि श्री कृष्ण उनसे बेहद प्रेम करते हैं। इस बात पर ध्यान देते हुए कृष्ण सोचते हैं कि घमंड करना अच्छी बात नहीं, इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तब उन्होंने राधा जी को वन में घूमने जाने के लिए कहा और दोनों वन की ओर निकल पड़े। काफ़ी दूर तक चलते रहे, तब राधा जी की पैर दुखने लगे। तब उन्होंने थोड़ी देर बैठने के लिए कहा, पर कृष्ण ने थोड़ा और चलने को कहा और चलने लगे। चलते चलते राधा रानी के पैर का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ गया। तब राधा जी ने कहा, अब मैं नहीं चल पाऊँगी। कृष्ण जी ने कहा, मेरे पीठ पर सवार हो जाओ। जैसे ही राधा जी सवार होने की कोशिश करती हैं, वैसे ही कृष्ण जो हैं वो अपनी माया छल से विलुप्त हो जाते हैं और राधा जी गिरकर रोने लग जाती हैं। तब वो इस बात को समझ जाती हैं कि श्री कृष्ण ने उनके घमंड को तोड़ने के लिए ये सब किया। इसीलिए कहा जाता है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और श्री कृष्ण का तो पूरा जीवन ही, आपको बता दें श्री कृष्ण का पूरा जीवन मार्गदर्शन माना जाता है। उनके जीवन की वो हर बात हर किसी को अपनानी चाहिए जो कहीं ना कहीं हर इंसान को एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।